नागपाल के समर्थन में कई दिग्गजों ने प्रचार किया। इसी संदर्भ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने डॉक्टर अमित नागपाल के समर्थन में जनता से संवाद किया। डॉक्टर अनिल जैन ने आम आदमी पार्टी में मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद विचार किया करते कि क्या करना है, प्लानिंग करते थे, उसके ऊपर काम करते थे। और ऐसी ही प्लानिंग के तरीके मन के अंदर भाव रहता है कि हमेशा बनते रहे। जहां तक हम बात कर रहे थे पुणे की, चर्चा जरूर कर रहा हूँ, वैसे कहते हैं पॉलिटिक्स में नेगेटिव चर्चा के बारे में छोड़ दो, अपनी चर्चा करो। इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि झूठ जो है कान की हड्डी बार बार नहीं चलती, आप लोग देख ही रहे। जो कूड़ा है आज की डेट के अंदर, अगर टीकमगुड़ा की बात करते हैं हम लोग, एक एसपी ब्लॉक का एक कूड़ेदान छोड़ के बाकी सारे कूड़ेदान बंद हो गए। बाकी सारे कूड़ेदानों में कॉम्पैक्टर मशीनें हमारे एमपी द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लगा दी गई। हर ब्लॉक के अंदर लगभग जिम लगा हुआ है, हर ब्लॉक के पार्कों में लाइट लगी है। मैं कुछ नहीं कर रहा है, ये कमल का जो निशान है ना जी, वो कर रहा है। मोदी जी की जो सोच है वो कर रही है। वो कहते हैं कि हर आदमी को फिट रहना चाहिए। उन्होंने नारा दिया स्वच्छ ये इंडिया, स्वच्छ भारत का नहीं जी, स्वच्छ भारत उन्होंने दिया खेलो इंडिया का और हेल्थ इंडिया का ऊपर उन्होंने नारा दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हर आदमी, देखिए जो बात है वो प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कूड़े की समस्या का निदान करना शुरू किया है, तब से कूड़े के जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाइयां कम हुई हैं। हमने कूड़े के ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट्स लगाए हैं और सारे दिल्ली भर में हज़ारों जो जहां कूड़ा खुले में पड़ा रहता था वो कॉम्पैक्ट मशीन लगा कर बंद कूड़ा घर बनाए हैं, और उनको मशीन को क्या बोलते हैं जी, कॉम्पैक्टर्स लगाए हैं सब जगह। क्योंकि मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में सैनिक फॉर्म में, इग्नू रोड पर बड़ी बुरी हालत रहती थी, आज वहाँ सफाई दिखती है। तो नगर निगम ने जो कर सकते हैं वो किया है, 10 मीटर कूड़े का जो ढेर कम किया है, और हर इस तरह के प्रयास से 10-10, 20-20, 50-50 मीटर अगर हम कम करेंगे तो प्रैक्टिकली हम 1-2 साल में इस कूड़े को समाप्त कर लेंगे। कोई कह दे आते ही कल कूड़ा ख़त्म कर देंगे तो ये तो मूर्खता है, ऐसा कभी कोई होता नहीं है। और इन्होंने जो कहा है उन्होंने तो कभी किया नहीं है। चाहे मकान की बात हो, चाहे दुकान की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे गाड़ी की बात हो, कोई चीज़ करी इन्होंने? जो कही वो करी क्या? एक फ्लाईओवर बनाया, एक अस्पताल लाए, नया स्कूल लाए, कोई कितनी रोड बनाई? इस आदमी ने केवल और केवल गप्पबाजी की है और टुकड़े डालने की, लोगों के स्वाभिमान पर चोट करने की जरूर कोशिश करी है कि हम टुकड़े डालेंगे तुम हमको वोट दो। आखिर देश की जनता को समझ क्या रखा है? स्वाभिमानी लोग हैं हम, देश की जनता के स्वाभिमान के साथ ये आदमी खिलवाड़ कर रहा है। ये हमारे सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमें स्वाभिमान के साथ हम अपना कर्तृत्व से जिएंगे, अपने कर्तृत्व से आगे बढ़ेंगे, किसी के टुकड़े पर नहीं चलेंगे। सुविधाएं चाहिए सरकार से, सरकार से सहूलियत चाहिए, सरकार से वातावरण चाहिए, लेकिन टुकड़े नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे आदमी को अब निगम में दिल्ली की जनता धता बताने वाली है और हम 250 सीट सर, में से 200 सीट जीतने वाले। सर केजरीवाल जी का भी कहना है कि हम पूर्ण बहुमत से एमसीडी में आ रहे हैं। केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में कहा एक सीट नहीं जीते, सब जगह जमानत जब्त हुई। केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में कहा एक भी सीट नहीं जीते, जमानत जब्त हुई सब जगह। केजरीवाल जी ने गोवा में कहा एक भी सीट नहीं जीते, जमानतें जब्त हुई। तो केजरीवाल तो क्या कहते हैं, लोकसभा के समय पर हम 7 लोकसभा की सीटें जीत रहे हैं, एक भी नहीं आई। जिस पार्टी का पूरे लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने का सपना देखते हैं। इससे ज़्यादा मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं हो सकते। तो क्या सर हर बार की तरह इस बार भी एमसीडी में
बीजेपी अपना परचम लहरा रही है 100%।